कैसे रहेंगे आपके सितारे, जानिए आज का राशिफल। जय मां कात्यायनी। आज प्रथम नवरात्र और प्रथम नवरात्र का पहला दिन है आज, तो सबसे पहले नौ दुर्गा को प्रणाम करते हैं और नौ दुर्गाओं का आवाहन करते हुए उनका निवेदन करते हैं इस श्लोक के साथ। प्रथमं शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतिदा उक्तताय नामानि ब्रह्मणेव महात्मनः। माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए, नौ देवियों को प्रणाम करते हुए और सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। यह नवरात्र आपके लिए शुभ वर्धक हो, कल्याणकारक हो, इसीलिए हम माँ भगवती को प्रणाम करते हैं, माँ भगवती का इस कार्यक्रम में आह्वान करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों, आज जो कि दिनांक 18 मार्च 2018 दिन रविवार, प्रारंभ करते हैं दैनिक राशि फल में कि राशियां आपके लिए इस नवरात्र के पहले दिन से नए वर्ष से। एक बात और बताएं, आज का ही शुभ संवत प्रारंभ हो रहा है, संवत 2075 आज से प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम है विक्रम संवत। तो इस नए संवत्सर में राशियां क्या लेके आई हैं, इसके लिए आप तैयार हो जाएं सुनने के लिए। तो प्रारंभ करते सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आज आर्थिक प्रयासों में तेजी आने वाली है, संतान के पक्ष के कार्यों में आपको सहयोग देने की जरूरत है। साथ में विद्यार्थी वर्ग अगर हैं तो आप इस आज के दिन में अनुकूलता के लिए रहेंगे। वृष राशि वाले, मानसिक प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल है, उत्साहजनक समाचार भी आपको मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले, भाग्य बल यानी आपका नवम भाव बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, भाग्य स्थान अच्छा है आपका, व्यापार के लिए और व्यवसाय के लिए दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी पेशा वालों लोगों के लिए स्थिति अनुकूल आएगी। कर्क राशि वाले, अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलने से कुशलता पूर्वक आपके काम अच्छे बनेंगे, धन कुटुंब के मामले में सहयोग अच्छा रहेगा और आपके द्वारा सोचे हुए विचारी हुए कार्यों में भी अनुकूलता आएगी। सिंह राशि वालों के लिए प्रभाव में वृद्धि होगी, स्वभाव में भी वृद्धि होगी, स्वभाव आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जीवन साथी के साथ कुछ तालमेल भिन्नता रहेगी। कन्या राशि वाले, इष्ट मित्रों व भाइयों से सहयोग मिलने वाला है, साझेदारी के कार्य में अनुकूल स्थिति रहेगी, नौकरी पेशा वालों लोगों के लिए कुछ समय मिला जुला रहेगा यानी उतार चढ़ाव में रहेगा। तुला राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा, संतान पक्ष में विचार से मतभेद हो सकते हैं और विद्यार्थी वर्गों के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां आएंगी। वृश्चिक राशि वाले, आज इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, मानसिक सुख शांति रहेगी, पारिवारिक सहयोग के साथ खर्च भी अधिक हो सकता है। धनुराशि वाले, आज लंबी यात्रा के साथ साथ कुछ स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, साथ में संतान पक्ष से व स्त्री पक्ष से, पत्नी पक्ष से कुछ दिक्कतें भी आपको सता सकती हैं, आज पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना जरूरी है। मकर राशि वाले, आज बाहरी व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक वार्तालाप करें, यात्रा में बिल्कुल किसी से घुले मिले नहीं, स्थानीय मामलों में भी सफलता आप प्राप्त करेंगे, घर और बाहर दोनों तरफ से सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। कुंभ राशि वाले, भाग्य में अनुकूलता होने से आप प्रसन्न रहेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए काम में प्रगति आएगी यानी काम अच्छा चल सकता है। मीन राशि वाले, भाग्य में अनुकूलता आने से आज बहुत प्रसन्न रहेंगे, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि पाएंगे, विद्यार्थी वर्ग में अनुकूलता रहेगी, गुरुवार के दिन आपका अच्छा रहेगा, आज भगवान शनि की पूजा करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो मित्रों, ये रहा आपके लिए दैनिक राशिफल में, 12 राशियों का राशिफल, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।